हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको थिएटर वाला स्पेशल खाना, और वो क्या चीज होने वाली है। ऐसा खाना जो भाई साहब सिर्फ इंटरवल में खाया जाता था, बहुत ही ज्यादा प्यार किया जाता है। खाने में एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं जी डिप राजमा। राजमा के अंदर कुलचा डिप करके खाया जाता है, तो देखते हैं उसका स्वाद होने वाला है कैसा। तो बिना देर के वीडियो करते हैं शुरू। सर अभी हम आए उत्तम टॉकीज, अब ये सेटअप चेक करो सर का, कैसे कितना प्यारा सेटअप किया हुआ है। बहुत ही पुरानी दुकान है ये। सर नाम क्या है अपना? अपना नाम रवि कुमार। ठीक है, और सर कितनी देर पुरानी दुकान अपनी है ये? 1953 से चल रही है। 1953 से। एक सर मेरे को बात पूछनी थी, आपकी दुकान का नाम उत्तम टॉकीज क्यों है? उत्तम टॉकीज का फेमस थी ना पहले, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फेमस उत्तम थिएटर था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे थिएटर था? एक थिएटर था सामने, उसकी वजह से हम उत्तम टॉकीज वाले। थिएटर के वजह से नाम हो गया थिएटर है आज की डेट में? वो खत्म हो गया, टैक्सी एजेंसी बन गया ना। अच्छा, और 30 साल पहले भी टूट गया। 30 साल पहले भी थिएटर बंद हो चुका, पर आपका नाम आज भी उत्तम टॉकीज ही है? हाँ, वही चलेगा। तो क्या क्या होता है सर अपने पास? राजमा कुलचा टिप किया हुआ, चने वाला कुलचा टिप किया हुआ, चने चावल, राजमा चावल, पनीर होता है, दही बड़े, कुलचे सादे, बदके। वाह, मतलब काफी ढेर सारा सामान है, कोई भी आइटम किसी की भी खाने की इच्छा हो सामान मिल जाएगा। ये डिप राजमा अपने? ये डिप वाला राजमा के अंदर कुलचा डिप किया हुआ होता है चने के अंदर। और वैसे सर आम जगह पे तो हर जगह डिप छोले, मतलब छोले के अंदर कुलचा डिप करके खाते हैं। खाते हैं। तो ये राजमा के अंदर कैसे कुलचा? ये राजमा के अंदर ज्यादा फेमस यहाँ पे जम्मू में राजमा के अंदर ज्यादा खाते हैं। ज्यादा। ये राजमा कौन सा सर अपने एक बार दिखाना है? वाह, बड़े ज्यादा गाढ़े राजमा। तो फिर हम इसका एक रस्सा रखा ना अपने पास। अच्छा, उससे गर्म कर रहे हैं। ये नीचे सर गर्म कैसे हो रहा है? पट्टी लगी है, गैस हो जाएगी। अच्छा सर, एक बार आप सेटअप दिखा दोगे क्या क्या आइटम है? ये क्या पड़ा हुआ है सामने? ये दही बड़े हैं सर। दही बड़े जी, खट्टे वाली चटनी, मीठे वाली चटनी। अच्छा, उधर आपने चटनी के अंदर केला भी आपकी? ये जो मीठे वाली है ना, भल्ले के लिए। अच्छा, भल्ले के जो चटनी आती है वो केले वाली आती है। और ये क्या चीज़ है सर? ये पनीर है सर। पनीर? हाँ, ये पनीर होता है हमारे पास। मसाले की ग्रेवी है? हाँ, मसाला बनाया होता है पनीर ऐसे। वाह यार, मोटा आटा। और ये क्या सर साथ में? बूंदी? बेसन का मोगरा होता है। बेसन का मोगरा, इसको हाथ की बनी बूंदी भी बोल देते हैं। हाँ, हाथ की बनाते हैं पूरी। तो यार सेटअप इतना, मतलब जैसे ये चीजें ना रेयर हो चुकी है स्ट्रीट फूड में, ऐसे स्ट्रीट फूड मिलना रोड साइड पे इतना ऑथेंटिक। कितनी देर से खा रहे हो आप यहाँ पे? मैं कोई 5th से खा रहा हूँ। 5th क्लास? तो अभी हो गए ज्यादा ही, 20-25 साल। टेस्ट में कोई टेस्ट में चेंज नहीं? अच्छा, और कितनी बार खा लेते हो ये हफ्ते में यहाँ पे? पूछ लो रोज रोज ये संडे को लगाते नहीं है, वरना मैं तो संडे को ही बोलूं। और आपकी फेवरेट चीज़ यहाँ पे क्या है खाने को? राजमा चावल। राजमा चावल बिल्कुल बॉडी के साथ में पनीर। हाय हाय हाय, बयान हो रहा टेस्ट यहाँ पे। अभी भी राजमा चावल ही चलते हैं ना। तो अंकल एक ये बना दो आप डिप कुलचा। ये कुलचा पहले हाथों से तोड़ते हो? हाथों से तोड़ते हैं। ये कुलचा भी थोड़ा मोटा बन जैसा रहता है ना? कुलचा अच्छे से छोले में जाएगा, छोले का पूरा मसाला कुलचे के अंदर चला जाएगा। साइड पे आप डेकोरेट देखोगे ऐसे क्या हुआ है, आलू लगे हुए हैं, छोलों का एक पहाड़ सा बना के ऊपर मसाले लगा के रखा हुआ है। एक प्लेट में तो दो कुलचे होते हैं? एक कभी ऐड ही लगा, डेढ़ दो, जितने डल जाए प्लेट, जितने डल जाए बाउल के अंदर। वो ये मसाला अपना है ना जी, पकौड़ी वाला। पूरे ऊपर आ गया सलाद, मूली और प्याज, और एक टमाटर का पीस। ये चटनी कौन सी अंकल? अनारदाना। अनारदाना की चटनी, अनारदाना की चटनी, दही, पनीर नहीं डाला। और ये फाइनल लुक चेक करो। तो अभी लगने जा रही है जी राजमा कुलचा की प्लेट। एक बार राजमा चेक करो, साइड में बिल्कुल पहाड़ बना के जमा के सजाए हुए हैं, और साथ के साथ तो पैकिंग चल रही है। कुलचे छोले हर शहर में मिल जाते हैं आपके और हमारे, पर जम्मू के अंदर यार राजमा और कुलचे का बड़ा कॉम्बो बनाकर उसको पसंद किया जाता है। अभी डल रहे हैं जी कुलचे और राजमा मिक्स, क्या बात है। ऊपर से आगे चटनी, थोड़ा सा प्याज। ये कौन सी चटनी अंकल? अनारदाने की। थोड़ा सा दही, पर एक पनीर का पीस भी आएगा ना बीच में? अच्छा जी, और ये आ गया पनीर। तो अभी ये जी हमारे सामने फेमस उत्तम टॉकीज की छोले कुलचे की डिप, छोले कुलचे की प्लेट, और ऊपर सामान देखो कितना डला है। ये चटनी है, टमाटर, ये मूली है, प्याज, ये दही, और एक आधी चटनी और जो बीच में छुप गई है, और ये चीज़ ये भी है। ये मेरी तरफ से देखो गिफ्ट, पनीर ऐश करो। पनीर भी आ गया जी। कार्तिक भाई होते फ्रेम में एक चीज की कमी लग रही थी, वो भी पूरी हो गई। बिल्कुल जी। तो ये है जी बड़ी शानदार बाइट, थोड़ी सी डालेंगे चटनी ऊपर। बड़ा ही स्मूथ फ्लेवर है, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुँह डालोगे
निकलता हुआ पिघलता हुआ आपके गले में चला जाएगा। बहुत ही प्यारा स्वाद है, बहुत ही टेस्टी। और सबसे बड़ी बात है ना, कहते हैं दुकानदार अपनी दुकान का सामान खुद कभी नहीं खाता, पर अंकल बैठ के लंच कर रहे हैं। तो आप क्वालिटी देख सकते हो, जो बंदा खुद बना के खिला रहा है लोगों को, वो खुद भी वही चीज़ खा रहा है। बहुत शानदार। देखो मैं लुधियाना से, अगर लुधियाना में मुझे कोई कहे ना भाई कुलचे के साथ राजमा खाएगा, मैं कहूँगा यार पागल है तू। पर यहाँ पर आके जम्मू के लिए राजमा का प्यार देख के, यहाँ पे हर चीज़ के साथ भाई साहब राजमा खाए जाते हैं। अब ये मान लो जम्मू के लिए राजमा ड्रग है, है भाजी जम्मू वालों के लिए राजमा के बिना इनकी कोई भी मील अधूरा है। तो ये है जी डिप कुलचा, राजमा में कुलचा डिप किया हुआ है, ऊपर आया दही, पनीर का पीस, ये भी हर जगह आपको दिखेगा जम्मू में, कहीं बड़ा कहीं छोटा, पर पनीर मिलेगा। अब ये देखो गिर रहा है, इतनी लोडेड प्लेट करके देते हैं अंकल, खुद कहते हैं कि मैं पता नहीं डेढ़ दो जितने कुलचा प्लेट भर के दे देते हैं। बिल्कुल ना अटपटी चीज़ नहीं लगेगी कि राजमा के साथ कुलचा खा रहे हो। जैसा छोले के साथ कुलचे का मज़ा आता है, वैसा ही इसके साथ मज़ा आता है, पर डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके खाने का। बहुत सारे शहरों में फूड बनाते हैं हर जगह ना, कई बार हम भी फूड ब्लॉगर हैं, पर कुछ जगह पे फूड ब्लॉगर्स वो चीज़ को ज़्यादा पुश दे देते हैं, वैसी होती नहीं, पर यहाँ पे उल्टा अंडररेटेड है पुश, इस ऐसे फूड को और ज़्यादा चाहिए। अभी लगने जा रहा है जी यहाँ का फेमस दही भल्ला, भल्ले का साइज चेक कर लो आप, बहुत शानदार साइज है। और साथ में आ जाएगी इनकी मीठी चटनी, इसमें केले डले हुए हैं ना। अभी आ गया थोड़ा सा मसाला। भल्ला किस चीज़ का होता है? दाल का होता है। दाल का भल्ला, इसकी क्या प्राइस है? 50 रुपीज़। ठीक है। तो भाई साहब आपने दही भल्ले बहुत तरीके के खाए होंगे, सौंठ वाले, मसाले वाले, खट्टी चटनी वाले, ये हैं, ये देख रहे हो आप, ये जी केले की चटनी वाले दही भल्ले। इसमें सिर्फ दही है, भल्ला है और केले की चटनी है, और चौथी कोई आइटम है नहीं, कोई आइटम नहीं जी। एंड दिस इज द मोस्ट यूनिक दही भल्ला जो आपको और कहीं खा सकते हो आप। एकदम स्मूथ, एकदम मुलायम। इनकी बिकॉज मैं जम्मू से हूँ और मैं काफ़ी साल से ये चीज़ें खा रहा हूँ, इनकी तीनों चीज़ों की स्पेशलिटी है, तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा रसी हुई होती हैं, इतनी रसीली, इतनी जूसी होती हैं कि डिप होने के बाद ना, मतलब मुंह में डालने के बाद ना पिघल जाती है, चबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुज़ुर्ग हो, आपको दांत नहीं भी है ना, फिर भी आप ये खा सकते हो। ये ऐसी चीज़ें हैं और मैं पिछले कई सालों से खा रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आज आ रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे और तब से लेकर जब तक हम पढ़ाते हैं हम ये खाते हैं। सही है, एकदम लाजवाब, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, पर टेस्ट फिर भी बहुत बढ़िया भाजी। बिल्कुल, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला, फ्लेवर, कलर या कुछ एनहेंसर नहीं डाला, सिंपल सादा खाने का फ्लेवर मिलेगा आपको, राधा दन मसाले।